हर चीज इतनी खूबसूरत और प्यारी लग रही है। हर फूल जो है उसमें प्यार दिख रहा है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने एक एक फूल को सहेज सहेज के लगाया है। और फूल क्या, सारी सजावट को ही देख लो, यहाँ की हर एक चीज में एक अलग ही अपनापन है। सच में बेटा, तुम्हारा दिल ही इतना सुंदर है, तभी तो सजावट इतनी अच्छी है। आंटी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। बस आप जो भी ये सब बोल रहे हो ना, वो मेरे लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं है। सच में मैंने भी बहुत सजावटें की है, हर जगह कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, लेकिन आज तक कभी किसी ने ऐसे तारीफ नहीं की। थैंक यू सो मच। खुश रहो। क्या है उस जालू में ऐसा? क्या? क्या है? मैं अच्छी नहीं दिखती क्या? मैं उस जालू से कहीं गुना अच्छी दिखती हूँ, लाख गुना। फिर भी पता नहीं क्यों वो आयुष उसके पीछे पड़ा है। क्यों 7 साल बाद भी वो उसे भूल नहीं पा रहा? क्यों? क्यों? क्यों वो मुझे प्यार नहीं कर पा रहा? क्यों? ऐसी क्या खराबी है मुझ में और क्या उस खासियत है उस शालू में? क्यों? 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 रो नहीं सकती उस शालू के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। नहीं, मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। मैं अनुष्का हूं, अनुष्का रोएगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। सच्ची, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम दोनों ने अभी तक कुछ खास नहीं किया। पर मासी, मैं कोशिश कर रही हूँ। मासी, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। आप तो जानती हो क्यों कोई नॉर्मल बच्चे थोड़ी है। मतलब सबसे अलग है वो दोनों। मासी, जब वो कभी कभी लड़ते हैं ना, तब हमें समझ आ जाता है कि उन्हें कैसे संभाले। हाँ, जैसे हम कभी कभी स्कूल में लड़ते हैं तो हमें सिखाया जाता है ना कि हम सॉरी बोले, हाथ मिलाए, गले लगाए। तो और क्या, हम भी बोल देते हैं। पर मासी, जब वो कभी कभी लड़ते हैं ना, तब हमें पता ही नहीं चलता। हाँ, ठीक है, चलो उन दोनों को जाके ढूंढते हैं। चलो मासी, आयुष, मुझे तुझसे कुछ कहना है। एक्चुअली कहना नहीं, करना है, और इसमें मुझे तेरी हेल्प चाहिए। कैसी हेल्प? ओ एक्चुअली ये शालू के बारे में। अच्छा भाई, मैं भी तब से मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया। मैं थोड़ा टाइम कम है ना आज, अरे भागना है। मैं आता हूँ ना, तेरे से बात करता हूँ, मिलता हूँ, मिलता हूँ। यहाँ सही है, यहाँ कोई नहीं है।